कानपुर से बोल रहे हैं अन्नू अवस्थी। हमारे एक पत्रकार मित्र हैं उन्नाव में। जब हम ऐसे करी थे ना तो हमेशा कहते हैं किस ना किया करो, फ्लाइंग किस। तो हम कहा तुमका का दिक्कत है? कहीं बहुत दिक्कत है, तुम्हारी भाभी हमसे कहती हैं कि ऐसे करके निकला करो। और कहीं नब्तिक महिला दिवस में बहुत जोर से ऐसे करा दी तो उनके दुई आगे नकली दांत लगे। एक मिनट चश्मा उतार दी। ये चश्मा दीन है प्रीति द्विवेदी, हमारी भाभी भी हैं, अभी डेरापुर से ब्लॉक प्रमुख भाई हैं, निर्विरोध हुई दीन है जाने हो। तो हुई महिला दिवस में और जो पत्रकार भाई हैं उनकी भाई पैसे बहुत जोर करा दी तो उनके आगे दुई नकली दांत रहे। तो ये अंदर की तरफ लचक गए, तो मतलब वही चुप्पे भगत चले गए लखनऊ में। 1400 दुई लगे हैं, 2800 की चोट भाई है उनकी हमारे चक्कर में। तो गुस्साबत है हमारे ऊपर। तो किन्ना कि हमने कहा कि हम करवे और महिला दिवस में आपकी कसम खावा है कि कोई चीज़ हम छुपाई ना खुद छुपाईबे ना कोई का छुपाए दे, तो हमका करना है। और ये महिला दिवस में जाना तो एक कसम हम और खा लिया है हमसे, मतलब अब खा लिया। गुड़िया कहे लगी कि महिला दिवस में तुमने वो अखबार में लेख दिया था कि महिलाओं की बड़ी इज्जत करते हो, तो हमारी तो तुम करते ही होगे फिर। हम कहा तुम्हारी तो हम सबसे नंबर एक पे करते हैं भाई, तो कहीं हमारी कसम खाओ। तो अब भाई हम मान लो सीधे ना खाते तो जबरियाँ खाना पड़ता, तो हम खा गए उनकी कसम। हम कहा खा रहे हैं बताओ। कहे लगी कि आज से तुम कुर्ता अपना पहनी हो और सलवार हम भी पहनी हो, अब बताओ। हो गया मतलब कसम के चक्कर में फंस गए कि नहीं फंस गए। अब हमका यार 29 मार्च का लगा है हमारा प्रोग्राम, फन अजीत पाल सिंह जी लगवाई ने उन्नाव में, हमका हरा रंग का कुर्ता पहने गए। अब उनके पास हरा कुर्ता है नहीं, वही कह रही हमारी हरी लेगिंग पहन के जाओ। अब हम बताओ का करी, अब हरी लेगिंग पहन के जाई वन प्रोग्राम में। अब उनका कोई समझावे आके ज़्यादा जल्दी जल्दी में कसम खाए ना चाहिए। हम कह रहे गुड़िया मान जाओ, अब नहीं मान रहे कहीं नहीं तुमने कसम खाई है। और उन्नाव के नाम से हमका एक बात और याद आ गई, हमरे बड़े भाई विधायक हैं बांगर में उसे कुलदीप सेंगर, तो ये अभी एक प्रोग्राम करवाई रहे विधायक जी। तो हम वहाँ गए रहन, तो जब हम प्रोग्राम ख़त्म ही हुआ तो हमका एक लिफाफा दीने। जब हम वन से 8-10 किलोमीटर चले आए तो लड़का का इस खोल के देख लो पापा बड़ा पतला लग रहा है। ओका खोल के जब देखा तो वहाँ 8 नोट रखे रहे हैं 2000 के। तो कहे लगा कि लग रहा कन्फ्यूजन हुई हुआ है कुछ, कोई दूसरे लिफाफा आपका दे दीने ने। तो हम फ़ोन किया कुलदीप भाई का विधायक जी का, हमका ऐसी ऐसी स्थिति है वहाँ 8 नोट हैं। कहने रहे अन्नू भाई गलत लिफाफा पहुँच गया, 2 मिनट लौट जाओ अपन असली लिफाफा ले जाओ आके। तो भाई हम चले गए, क्या फ़ोन कर ही चुके रहन, 15 किलोमीटर निकल गए रहन, 15 जाना 15 आना 30 हुई गए। तो मतलब हम दे दिया लिफाफा, तो हमका एक दूसरा लिफाफा दें थोड़ा मोटा रहा। तो 10-15 किलोमीटर फिर चले, लड़का का इधर फिर गिन लो पापा एक बार, फिर हम गिना इस बार 69,000 रुपया रहे। तो लड़का का इसकी लग रहा है 1,00,000 देवा चाहत रहा है, माँ 69 हैं एक बार फिर बता दो पापा। तो मतलब पिछली बार होके कहा काम माना रहा तो फायदा हुई हुआ हमका, तो हम फिर बता दें उनका। तो कहे लगे यार फिर चले आओ यार भैया, मिस्टेक फिर हुई गई हमसे, अब तक हम राजी खुशी चले गए वन मान लो। तो मतलब तीसरे राउंड में हम कहे झोला देने ने, हम ऐसे उठाया थोड़ा भारी रहा है, तो हमने कहा ये लग रहा है एक पूरे हैं। लेके आए ना 8-10 किलोमीटर बाद लड़का का इस पापा का खोल के गिन लो, हमका लग रहा है ये 10-5 लाख रुपया हैं। तो हमने कहा नहीं यार 1,00,000 तो तह रहा है, कहा है 10-5 लाख, कहीं गिन लो भाई मान लो खुशी है उनकी दही देने ने। खोला तो हमारा रेजगारी रहा 5100 रुपया रहे केवल। तो हम कुलदीप भैया का फ़ोन किया, हमका भैया हमारे 5100 हैं। कहीं यार झोला में 5100 कैसे हो सकता है? हमने कहा नहीं झोला के अंदर एक डब्बा रहा है। कहीं अच्छा डब्बा में पढ़ो का लिखा है? तो डब्बा में लिखा रहा है फालतू खर्चे के लिए। तो हमने बतावा उनका कि हम ये फालतू खर्चे के लिए लिखा है। कहीं अच्छा तो फिर तुम्हारा ही है भैया, ये तुम्हारा ही है, लियो बताओ। अब हम मतलब फालतू खर्चा हम जा रहे हैं इस समय 51-5100 में। कुलदीप भैया बड़ा गलत काम करे हो बताओ, और पूरे उन्नाव में रब रब हुई जाइए 5100 फालतू खर्चे के लिए, हम झूठ बोल नहीं पाए थे। लड़का कह रहा है वीडियो में बता देते हो 2,00,000 देने ने, लेकिन बड़ा गलत काम हमरे साथ कर दियो भैया, पे हम 29 का आ रहे हैं अपना समझो। और हम अन्नू अवस्थी कानपुर से।